तुम दोबारा गलती नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन तुम किए तो हो गलती। दोबारा आप गलती नहीं हो रही, हम हिंदुस्तानी है सर, भारत माता मेरा। तो कहा तुम रात में बोल रहा था ये बात? नहीं सर, हमको शादी है। रात में क्यों बोल रहा था तुम? जो भी हो गया उसका माफी चाहते हैं, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा पाकिस्तान। ये तुम अभी बोल रहे हो, रात में तो तुम पूरा बोल रहा था साले, हमको बहुत परेशान किया है हिंदुस्तान में। क्या तुमको परेशान किया था? हाथ नीचे करो। क्या तुमको परेशान किया था? परेशानी नहीं है। तो क्यों तुम रात में बोल रहा था कि हिंदू लोग हमको बहुत परेशान किया है साले, अब की ठीक हुआ है? नहीं सर, हिंदू वही ऊपर टोला में जो है ना, जितना हमारा हिंदू समाज है, हम तो वहीं पर बड़े एक छोटे से। जब तुम बोला नहीं तो लोग तुमको क्यों पकड़ा, और किसी को जो नहीं पकड़ा? लेकिन देखिए सर, हम वहाँ तो जाते हैं, पहले जाते थे, बीच में झगड़ा हो गया सर, ये मैंने अबीर दे दिया था उस सब हिंदू। तुम बोले हो ना रात में? सुनिए सर, तो उसी कारण से हमारे ऊपर जो है ना सब लोग एकदम। वो जो वीडियो में तो शब्द सुनाई पड़ रहा है, तुम बोले हो? नहीं सर, हमको शादी से एकदम फंसाने का। तो वीडियो में तुम्हारा आवाज़ है, तुम बोल रहे हो, लोग सुन रहा है, तुमको मना कर रहा है, इस तरह तुम क्यों बोल रहे हो? हैं? तो वीडियो तो झूठ नहीं बोलता है, तुम ही बोल रहे हो वीडियो में। तो रात में बोलने में मजा आया था, अभी हम बचा लेंगे। और रात में तीन को बेटी है सर, एक को बेटा है, मर जाएगा सर, भूखे मर जाएगा सर। एक ऐसा मामला कल रात में घटना हुई थी पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के सरविंगा गांव में, कि एक युवक 40 साल का एक आदमी है जो कि शराब के नशे में था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से लगा रहा था, तो उसको हम लोगों ने पकड़ के एफ आई आर दर्ज करके जेल भेज देंगे उसको कल। आज रात में गुलाबी गिरफ्तारी हुई उसको, एक घंटा पहले पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा सामने यही आ रहा है कि शराब के नशे में था वो किसी को टॉर्चर करने का या किसी को चुड़ाने का नहीं। हम लोगों ने सेडिशन देद्रोह का जो मुकदमा होता है, एंटी इंडिया कुछ भी बर्दाश्त हम लोग कहीं से भी नहीं करेंगे, उसको कल हम लोग जेल चलाएंगे।